यूपी। जिला संवाददाता रिजवान उद्दीन। एंकर, यूपी के फतेहपुर में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। टीम ने भारी मात्रा में स्प्रिट, डीजल, देशी बम, तमंचा व गांजा और एक स्कॉर्पियो गाड़ी, तेल निकालने का मशीन, ड्रम व अन्य उपकरण बरामद किया है, जिसका खुलासा एसपी ने किया है। स्वाट टीम और कल्याणपुर की पुलिस के द्वारा एक चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो डीजल चोरी खड़े हुए ट्रक वाहनों से ये टंकी तोड़ करके और डीजल निकाल लेते थे और इसके बाद इसको बेचते थे। और ये बहुत ही शातिर गैंग है। इसमें शुभम पटेल नामक व्यक्ति है, ये पहले भी थाना औंग से जेल जा चुका है दो बार और तीन बार गया है, बल्कि अतुल पटेल भी जेल जा चुका है। और ये लोग सामान देते थे, एक व्यक्ति है अनूप कुमार, जो शराब का भी, अवैध शराब का भी काम करता है, और ये लोग इकट्ठा करके जंगल में इकट्ठा करते थे और फिर ये ट्रक ड्राइवरों को भी सस्ते में बेचते थे और इसको बुला के देते थे, बड़े बड़े ड्रम में इकट्ठा करते थे। और वहाँ से अनूप भी उस समय आया हुआ था, वो अपना गाड़ी अपना ले के आने वाली, उसकी गाड़ी आने वाली थी, लेकिन तब तक हमारी दबिश पड़ गई तो फिर वो हाथ नहीं आई। इसके पास उस समय 400 लीटर इनसे, पूरे गैंग से 400 लीटर डीजल 10 पीपीओ में मिला है, 400 लीटर अवैध स्प्रिट भी मिला है, तेल निकालने की मशीन और ढेर सारा सामान इनसे बरामद हुआ है। ये बहुत ही अच्छा ग्रुप मिला है इनसे, और भी जो बदमाश अपने पास रखते हैं कि रात में कहीं हमारे साथ कोई बात ना हो या डरा धमका करके लूटपाट करें, वो सब सामान भी इनसे बरामद हुआ है। प्रिवेंटिव की कार्रवाई भी की जा रही है। पूरी टीम को हमारी तरफ से 20,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जा रहा है। इस गैंग के विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। बम का कैसे इस्तेमाल करते हैं? 8 बम इनके पास से बरामद हुए।